पाकिस्तान में कोरोना मजीद 17 जिंदगियां निकल गया। हलाकतों की तादाद 113 हो गई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 6000 से तजावुज कर गई। पंजाब में मुतासर मरीजों की तादाद 3000 से बढ़ गई, जबकि सिंध में 1668 अफराद वायरस से मुतासर हैं। कोरोना का खौफ बरकरार, लॉकडाउन के बावजूद मुहूर्ती वबा से अमवात बढ़ने लगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 6000 से तजावुज कर गई, जबकि 113 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। 1046 मरीज सेहतियाब हुए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,280 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट हुए, जिनमें से 272 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मुसद्दका मरीजों की तादाद बढ़कर 6,000 से जायद हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 17 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो गए, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 113 हो गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिसके बाईस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पंजाब में हैं, जहां मरीजों की तादाद 2,945 है। सिंध 1,518, खैबर पख्तूनख्वा 865, बलूचिस्तान में 248, गिलगित बल्तिस्तान 234, इस्लामाबाद 140 और आजाद कश्मीर में 46 केसेज रिपोर्ट हुए। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के बाईस सबसे ज्यादा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहां 38 मरीज इस वक्त वायरस के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सिंध में 35, पंजाब में 28, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 2 और इस्लामाबाद में 1 मरीज जाँ बहक हो गया।